गई है और मुझे बताया गया है कि 6 सितंबर को काफ़ी अतिवृष्टि होने से शहर में कई तरह की दिक्कतें आ गई थी, लेकिन समय रहते हुए नगर निगम, ADA और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। अभी कुछ बस्तियों में दिक्कत है और पानी ओवरफ्लो चल रहा है बांधों के अंदर और लगातार इमरजेंसी कंडीशन में कोई आपके साथ हो ना हो, संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर हमेशा आपके साथ है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं और सभी TPA एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना द्वारा कैशलेस इलाज उपलब्ध। संजीवनी हॉस्पिटल, सिविल लाइंस, अजमेर। जो मीटिंग ली गई राज्य सरकार के निर्देश पे आज अजमेर भेजा गया है, प्रभारी सचिव के तौर पे जिला प्रशासन और बाढ़ राहत से संबंधित सभी अधिकारियों की बैठक ली गई है और मुझे बताया गया है कि 6 सितंबर को काफ़ी अतिवृष्टि होने से शहर में कई तरह की दिक्कतें आ गई थी, लेकिन समय रहते हुए नगर निगम, ADA और जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। अभी कुछ बस्तियों में दिक्कत है और पानी ओवरफ्लो चल रहा है बांधों के अंदर और लगातार निगरानी चल रही है, तो मैं भी आज कई जगह का दौरा करके देख रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन और जिला परिषद वाले लोग मिलके जिले में किसी प्रकार का मेजर संकट नहीं आएगा। नहीं, अभी जो देखा है उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है, कोई जनहानि नहीं है, लोगों का कोई मेजर नुकसान नहीं है, वरना जिस प्रकार से अतिवृष्टि हुई थी इतने बड़े शहर में कोई दिक्कत आ सकती थी, लेकिन सजगता की वजह से बहुत अच्छा रहा है, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ।